आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के फायदों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अश्वगंधा के बहुत सारे नुकसान हैं। आज मैं आश्रम में एक भाई की मेडिकल हिस्ट्री ले रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अश्वगंधा का सेवन किया, जिसके कारण उनको बहुत नुकसान हुआ। हाँ जी, शारीरिक रूप से उनको बहुत सारे नुकसान हुआ। तो उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री देते समय बताया कि किसी के भाई के कहने पर उन्होंने अश्वगंधा सेवन करना शुरू किया। अब हुआ क्या था कि उन्होंने घर के अंदर, परिवार के अंदर जो रिश्तेदार थे उनको उन्होंने बताया था कि मेरे हाथों में सुन्नपन रहता है, शरीर कमजोर फील करता है, इसके कारण उनको सारे दिन तनाव रहता है। तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने बताया कि आप अश्वगंधा का प्रयोग कीजिए, मुझे भी अश्वगंधा के प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है, आप भी कीजिए। तो उन्होंने उनके कहने पर अश्वगंधा का प्रयोग शुरू किया और मात्र 1 महीने में उनकी स्थिति गंभीर हो गई। कारण क्या रहा कि अश्वगंधा का प्रयोग अलग अलग शरीर की तासीर होती है उसके अनुसार किया जाता है, कि क्या डोज होनी चाहिए, किस तरह से सेवन करनी चाहिए वो जानकारी नहीं है। तो मुख्य बात यही है कि आपको औषधियों का सेवन करने से पहले ध्यान रखना है कि शरीर की तासीर के अनुसार औषधियों का सेवन किया जाता है। अश्वगंधा के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के क्या क्या नुकसान है और किस तरह से और किस डोज में इसका सेवन करना चाहिए जिससे हम फायदा ले पाए। जय गो माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर वी के भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस भाई की मैं बात कर रहा था उसकी तासीर गर्म थी। हाँ जी, उनकी गर्म तासीर होने के कारण, शरीर की गर्म तासीर होने के कारण जब उन्होंने अश्वगंधा का प्रयोग किया तो उनकी शरीर की गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई, इसके साथ स्किन संबंधित छोटे छोटे लाल लाल कलर के दाने निकल आए और उसके शरीर का तापमान बढ़ गया। अश्वगंधा तापमान भी बढ़ाता है, तो उनके शरीर का तापमान बढ़ गया और गर्म तासीर, जब शरीर की गर्म तासीर है और गर्म चीज़ खाई तो समस्या बढ़ गई। अब उनके रिश्तेदार को जो फायदे हुए थे वो उस भाई को नहीं हुए, उस भाई की और समस्या बढ़ गई, क्योंकि शरीर की तासीर के अनुसार औषधियों का सेवन किया जाता है। तो इस तरह से अश्वगंधा आपको सेवन करना है तो आप एक वैद्य से परामर्श करें, और आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से अश्वगंधा के और भी नुकसान हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले गर्म तासीर की है, तो गर्म तासीर के व्यक्तियों को नहीं खानी है। उसके बाद बात करेंगे जिनका बीपी लो रहता है। हाँ जी, जिनका बीपी लो रहता है उनको भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना है। अगर वो अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो उनका बीपी और लो जा सकता है। इसके बाद शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट अगर शुगर की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन भी साथ में चलती रही है और उसके साथ अश्वगंधा का प्रयोग करेगा तो उनका शुगर लो हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ की एज अ मेडिसिन अश्वगंधा काम करती है, और मेडिसिन के साथ और मेडिसिन लेंगे तो आपकी शुगर लो हो सकती है। जिन व्यक्तियों को पेट संबंधित रोग हैं, जिनका पाचन सिस्टम अच्छा नहीं है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, उनको भी अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना है, और जिनको एलर्जी है उनको भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना है। अश्वगंधा गर्म तासीर के होने के कारण फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं अश्वगंधा की डोज की बात। तो डोज अलग अलग शरीर की तासीर के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन आप शुरुआत के अंदर जब भी अश्वगंधा शुरू करें आधा चम्मच से ज़्यादा न लें। हाँ जी, आधा चम्मच से ज़्यादा न लें। अश्वगंधा का सेवन शाम से शुरू करें, और शाम के समय भी सबसे बेहतर रहता है दूध के साथ। देशी गौ माता के दूध के साथ अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको देशी गौ माता का घी मिले तो आधा चम्मच देशी गौ माता के घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अश्वगंधा का जब भी आप प्रयोग करें इसके साथ, जैसे अगर शाम के समय अश्वगंधा का प्रयोग आप कर रहे हैं तो सुबह आपको त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है। त्रिफला चूर्ण, अगर अश्वगंधा और त्रिफला चूर्ण कॉम्बिनेशन में आप लेंगे तो आपको बहुत ही फायदे हो सकते हैं। अगर आपको नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप वैद्य का परामर्श जरूर लेना है। आप संस्थान में, संस्थान आपके लिए है, आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप संस्थान में परामर्श लेके इस तरह की औषधियों का सेवन करें। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज आयुर्वेद की बेहतरीन अमृत तुल्य औषधियाँ हमारे पास हैं, लेकिन कारण क्या है कि जागरूकता की कमी के कारण अगर हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो आपको सावधानी रखनी है। जय गो माता, वंदे मातरम।